अब हमारे पास ये विजिटिंग कार्ड है और हम चाह रहे हैं कि ये 400-500-800-200 बच्चों के नाम पे बना एक कार्ड। तो उसके काम को करने के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उन बच्चों की फ़ोटोज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा काम को एक्सपेंड करें तो हम फ़ोटोज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं google.com पर चले जाते हैं और यहाँ से इमेजेस को सर्च करके क्लिक करके यहाँ पर लिख देते हैं सपोज टू बी स्कूल बॉयज इमेजेस। ठीक, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर आ गई मुख्तलिफ इमेजेस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं या अब यहाँ से ये फ़ोटोज़ हम कुछ लेंगे, जैसे कि हमने इस बच्चे की एक फ़ोटो ले लेते हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ से हमने इस पर राइट बटन दबाया, इसको हमने किया सेव इमेजेस एज़। मेक श्योर कि ये फ़ोटो JPG या PNG फाइल में होनी चाहिए, क्योंकि नहीं है, JPG लिख लेते हैं आगे। और फिर यहाँ से राइट बटन दबा के इसको करने की कोशिश करते हैं सेव इमेजेस एज़। तो ये भी अभी भी JFIF फाइल है, JFIF फाइल को ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसको यहाँ से ले लेते हैं, चेंज होगा ना, जो आ रहा है वही होगा। ये वाली फाइल को लेने की कोशिश करते हैं, ये सपोर्ट ही नहीं करेगा JF। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें मिल नहीं रही ये फाइल्स, तो यहाँ से हम कुछ अपने पास से फ़ोटोज ले लेते हैं, क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स पर और यहाँ चले गए हम PS फाइल जाएगा, खुलेगी नहीं इसके अंदर, नया वर्जन का मसला आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इमेज की फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी भी होगी इसी फोल्डर के अंदर। ये देखिए इसका फ़ोटोज़ हैं, ये देख लेते हैं, 4 और 5 फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करके मैं अपने उसमें ले लेता हूँ, तो मैंने अभी फोल्डर बनाया था वाइस में जाके मुझे कार्ड का, उसका पैसा सारी JPG और PNG फाइल्स। अब इनके नाम रख लेता हूँ, F2 करके रिनेम किया, इसका नाम मैंने रख लिया आम। ठीक है, और इसका नाम मैंने रखा साइमा, और इसका नाम मैंने रखा शैला, और इसका नाम मैंने रखा सारिका, और इसका अभी नाम हम नहीं रखे, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है और जो जो डेटा हमें कार्ड पर डिस्प्ले करना है उसके कॉलम्स को क्रिएट करना है। तो जो जो डेटा हमें इस पर क्रिएट करना है, कंट्रोल एस करके सेव किया, वहाँ ऑप्शंस में चले गए, ब्राउज में चले गए, और इस फाइल को वहीं सेव करना है जहाँ पे ये सेव है। कंट्रोल सी करके इसका पाथ दिया, यहाँ पर एस कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, बुक 1 के नाम से सेव हो गई फाइल। क्लोज करता हूँ मैं फाइल को, और फाइल को यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स या इम्प्लॉइज जो भी। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया नेम, और यहाँ पे हमने आगे जाके लिखा क्लास सेक्शन इमेज। अब ये आपने जो नाम रखे हैं यही आपको फोटोशॉप में सेम स्पेलिंग के साथ नाम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अब नाम लिख लिया सपोज टू बी साइका, एक्सेल में डेटा बनाएंगे, जैसे इसका नाम हमें रखा है साइमा, तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, ऐसे आई है साइमा शैला सारिका, सारिका भी यहाँ अच्छा आमना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया मिस आमना। ठीक है, फिर अगला नाम है हमारे पास मिस साइमा, तो मिस साइमा ले लिया हमने। फिर अगला नाम है मिस सारिका और मिस शैला, तो शैला। ठीक, क्लास इनकी डिफरेंट है, सपोज ये मैट्रिक की स्टूडेंट है, ये इंटर की स्टूडेंट है, BCom की स्टूडेंट है, और ये मैट्रिक की स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका सेक्शन ग्रीन है, इसका रेड है, इसका ब्लू है, इसका ग्रीन है। अब इनके इमेजेस भी इनके सामने ऐसे ले रहे हैं, जैसे ले रहा है मिस आमना का, तो यहाँ क्लिक करना है, F2 दबाना है, कंट्रोल A दबाना है, कॉपी करना है कंट्रोल C से, यहाँ पेस्ट करना है, मतलब फ़ोटो का नाम और उसकी टाइप भी साथ ले रही है। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे क्या नाम है इसका साइन, तो साइन के आगे फैसला हो रहा है
F2 रीनेम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कर दिया सारी का ऑस्ट्रेलिया, और शेला के लिए F2 रीनेम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके, यानी कि फाइल का नाम ही नहीं लेना बल्कि उसकी टाइप भी साथ लेनी है, बताएगा सेव कर देना फाइल को, और फाइल में जाके इसको करना है एक्सपोर्ट। कैसे करेंगे एक्सपोर्ट, तो देखिए यहाँ से सेलेक्ट करना, क्या चीज़ भाई, जैसे भाई कौन से सेक्शन में, ग्रीन सेक्शन में, ये इंग्लिश भी हो सकते हैं, उर्दू भी हो सकते हैं, हिंदी भी हो सकते हैं। फाइल में जाके यहाँ से आप करेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाके मतलब ये कॉलम जो आप कार्ड पर डेटा दिखाएंगे वैसे बनाने आना है, चेंज फाइल टाइप, और नीचे जाके टेक्स्ट डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल पर सेव करना है, और ये जो फाइल बनानी है ये भी आपने उसी फोल्डर में सेव करनी है सेव। अब आप एक्सेल की फाइल को क्लोज कर दें, सेव करके यहाँ से, और यहाँ से यूज़ करें इसको, क्लोज़ कर दें, ये आपकी टेक्स्ट फाइल बन गई, ये डेटा इसके अंदर सारा नज़र आ रहा है, इसको क्लोज़ करें, यहाँ से क्लिक करके अब आप चले जाएँ इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर, ये जो फाइल बनी हुई है क्लिक करें फोटोशॉप को, और यहाँ से फोटोशॉप की PSD फाइल को ओपन करें। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे यहाँ से, और ओपन करके हम यहाँ से इसकी PSD फाइल खोलेंगे, तो ये हमारे सामने इस तरीके से खुल जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने देखा कि पहले से कुछ डेटा इसमें मौजूद है, तो मैं उसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, और ये इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे जिस पे फ़ोटो नज़र आ रहा है उसकी लेयर का नाम आपने वही रखना है जो उसमें आपने रखा था, इमेज, IMAGE इमेज, ठीक है, जिसका फ़ोटो। अब टेक्स्ट जो लिखना है तो टेक्स्ट की क्लियर लेनी है, उस पर आपने जो भी टेक्स्ट नाम लिखना है, सपोज टू बी स्टूडेंट नेम डिस्प्ले हेयर, ये आपने टेक्स्ट ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि भाई किस तरह के फॉन्ट पे नज़र आएगा, सपोज मिलेगा इस फॉन्ट पे नज़र आए, और ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो इस तरह का नज़र आए, और इसका साइज़ ठीक है, यहाँ से क्लिक कर लिया और भाई ये ऐसा नज़र आएगा, यहाँ से इसका नाम इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट कर लिया, फिर इसके नीचे एक ले लिया कि भाई यहाँ पे इसका क्लास का नाम नज़र आएगा, फिर कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट ले लिया, भाई इसके नीचे इसका सेक्शन नज़र आएगा, ठीक है, ये चारों डेटा ले लिया। अब आपने क्या करना है, पहले वाली इसका नाम लेयर का डबल क्लिक करके रीनेम करना है, और जो पहले कॉलम का नाम रखा था नेम, और इस पर डबल क्लिक करना है, और जो दूसरे का रखा था क्लास, सेम स्पेलिंग के साथ, और छोटी बड़ी ए बी सी का भी ख्याल करना है, अगर वहाँ छोटी ए बी सी में लिखा है या भी छोटे सेक्शन भी आ रहा है, ठीक, सेव कर दिया आपने अपनी फाइल को। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है इमेज में, और यहाँ से कहना है वेरिएबल, और वेरिएबल में जाके करना है डिफाइन, यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन करने हैं वहाँ पे क्लिक करना है, इमेज वाली लेयर के ऊपर रिप्लेसमेंट में जाके आपने इमेज लिखना है, नेम वाले के ऊपर जाके रिप्लेसमेंट में आपने नेम लिखना है, और यहाँ से जाके क्लास वाले के टेक्स रिप्लेसमेंट में क्लास की लिखना है, मतलब ये नाम और एक्सेल वाले नाम सेम होने चाहिए, सेक्शन वाले में जाके टेक्स रिप्लेसमेंट में सेक्शन ही लिखना है, और उसको क्लिक करके क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देंगे फिर थर्ड टाइम में आपने जाना है वेरिएबल्स के नीचे आएगा डेटा सेट्स का ऑप्शन, जैसे ही डेटा सेट्स पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से आपने करना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करके सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पर आपको ये वाली फाइल आपके फोल्डर में मिलेगी जो कि हमने कहाँ सेव किया है, डॉक्यूमेंट्स में जाके, और डॉक्यूमेंट्स में जाके PS फाइल्स में जाके, और यहाँ से हम जाएंगे नॉइस के फोल्डर में, और यहाँ से जाएंगे विजिटिंग कार्ड में, जो एक्सेल से फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी वो फाइल हमने यहाँ क्लिक करेंगे, इसको लोड कर देंगे, लोड करने के बाद इसको ओके करना है। अगर ये नाम एक्सेल वाला नाम और जो अपने नाम का तीनों सेम होंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और ओके करने पर आप इजीली बाहर आ जाएंगे। अब डेटा डिस्प्ले कराने के लिए आपने दोबारा जाना है वेरिएबल्स के नीचे, एक ऑप्शन आएगा अप्लाई डेटा सेट पर, उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स के नाम हैं यहाँ नज़र आएंगे, प्रीव्यू आपने ऑन रखना है, और यहाँ से जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो उनके आगे उनका नाम डिस्प्ले होता चला जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद अगर कोई नया स्टूडेंट आ गया उसका डेटा ऐड करना है तो क्या करेंगे, नहीं नहीं हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा फिर उस फोल्डर में जहाँ पर हमने अपना सारा डेटा रखा हुआ है, पहले हम उस लड़के की फ़ोटो का सारा नाम रखेंगे, जैसे हमने उसका नाम रख दिया शाहरुख, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेल की फाइल को खोलना है और उसमें जो नया हमें कैंडिडेट है वो उसमें ऐड करना है मिस्टर शाहरुख, हाँ ठीक है, और उसकी क्लास का हमने बता दिया इंटर, और यहाँ पे उसका सेक्शन बता दिया रैंक, और अब उसकी फाइल का जो नाम है वो यहाँ से F2 कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ कंट्रोल V करके कंट्रोल S करके सेव कर देना है।
फाइल में जाना है वंस अगेन और फिर से एक्सपोर्ट कराना है जैसे लास्ट टाइम कराया था, और यहाँ पे जाके आपने टेक्स्ट एलिमेंटेड पे क्लिक करके सेव एज़ कर देना है। उसी फोल्डर में अपनी फाइल को उसी फाइल के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे ही रिप्लेस होगी तो अपडेट हो जाएगी, इसको यस कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उसको खोल के देखेंगे तो उसमें नया नाम ऐड हो चुका होगा। इस तरह एक ही दफ़ा में 10-20-25 नाम जो भी चाहें ऐड करा सकते हैं। अब फोटोशॉप में जाएंगे, आपकी फाइल खुली हुई होगी, यहाँ से इसमें जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको जाना है दोबारा से डेटा सेट पे, और डेटा सेट को जाके एक दफ़ा फिर से इंपोर्ट करना है, उसी फाइल को अपडेट कर लेना है। और जैसे ही अपडेट करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आएंगे आप यहाँ पे इमेज में अप्लाई डेटा सेट्स में, तो ये नया नाम भी इसके अंदर ऐड हो चुका होगा और उसका फोटो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आती है बात कि ये तो सर सबका डेटा लिख तो रहा है लेकिन कार्ड तो एक ही है, सबके अलग अलग कार्ड कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, और यहाँ लिखा जाएगा डेटा सेट इस फाइल, क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आपको उसको बताना है कि कहाँ पे सेव करना है, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से उसके पाथ को पूरे फोल्डर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर ले जाकर उसको पेस्ट करके कॉपी कर लेना है। ये पाथ आ गया कि यहाँ पर सेव करना है। ऑल डेटा सेट्स पर क्लिक करना है, वैसे अगर किसी एक का चाहें तो उनके नाम यहाँ मिल जाएंगे, ऑल डेटा सेट। अब कह रहा है कि उसका नाम कैसे बनाएं, अगर नाम बनाने की बात करें तो कह रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट का नाम रखें, फिर डेटा सेट का नाम रखें, फिर नन कर दें। तो इस तरह इसका नाम बन रहा है क्लास 17 वर्टिकल विजिटिंग कार्ड मिस आम। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले डेटा सेट का नाम रख लो और उसके आगे एक नंबर लगा दो, तो लिखा रहा है मिस आमना 1, इस तरह से मिस साइका 2, इस तरह से आ जाएगा। और भी अगर कोई ऑप्शन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर लेके फिर उसके आगे नंबर देना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, और नंबर भी 01, 02, 03 ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं जैसे हमें सूट करें। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, PSD फाइल बनाएगा, तो क्लिक करेंगे PSD के ऊपर, जैसे ओके करेंगे Adobe फोटोशॉप ऑटोमेटिकली वो सारे कार्ड्स को डिज़ाइन करेगा और डिज़ाइन करके आपको अलग अलग सबकी PSD फाइल बना के दे देगा। ठीक है, अब सबकी PSD फाइल बना दी सर। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें और यहाँ से क्लोज़ करके इसको यस कर दें, इसको ऑफ़ कर दें। अब हमें PSD से इसकी बनानी है PNG, क्योंकि PSD तो हम सबको दे नहीं से रहे, तो हम सारी PSD फाइल्स को कट करते हैं और इसको हम एक फोल्डर बना के उसमें डाल देते हैं PSDs, और उसमें जाके ये सबकी अलग अलग PSD फाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमें इनकी बनानी है PNGs। अब PNGs कैसे बनेगी, तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑटोमेट में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आई थिंक बैच, और बैच पे क्लिक करके हम यहाँ से लेंगे चूज फोल्डर्स, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और वो सारी सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्शंस हैं और यहाँ पर डिफरेंट एक्शंस नज़र आ रहे हैं, सेव एज़ फोटोशॉप PSD, यहाँ पे ये PNG का ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ से हम लेते हैं एक्सटेंशन टाइप, तो GIF मिल रहा है हमें एक्सटेंशन टाइप myfile.gif, PNG, यहाँ से देखें इमेज प्रोसेसर में चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम बताएंगे वो पूरा फोल्डर, ठीक है, कहाँ गया हूँ, यहाँ से क्लिक किया फाइल स्क्रिप्ट्स इमेज प्रोसेसर, और यहाँ पे जाके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक किया और वो पूरा फोल्डर PSD वाला जो मेरा कहाँ सेव है, PS फाइल्स में जाके, नवाइस में जाके, और यहाँ से मिलेगा हमें विजिटिंग कार्ड के अंदर, और PSD ये पूरा पाथ यहाँ से आपने कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है, ये पूरा फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब वो PNG फाइल्स या JPG फाइल्स कहाँ रखनी है, मैंने कहा उनको भी इसी फोल्डर में रख लो, ये पाथ उधर डाल दिया। अब कह रहा है कि भाई क्या करना है, तो मैंने कहा सेव एज करो इसको JPG फाइल पर और क्वालिटी इसकी 12 रखो, अगर साइज़ उसका चेंज करना है तो यहाँ से हम बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना तो छोड़ दें, और इसको हम कहते हैं रन। तो ये देखें एक एक की बनाता जा रहा है JPGs, और यहाँ पे हम उनको देख सकते हैं। ये देखें, अब ये हम उठा के स्कूल वालों को दे देंगे ताकि वो इसको इजीली प्रिंट करें, ठीक है ना।
इस तरह से फोटोशॉप से हम एक बल्क में 100, 200, 300, 400, 500 कार्ड्स जनरेट करा सकते हैं और उनको सेंटर में लगे प्रिंट आउट करें। सही,